ओके, आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद तिवारी, क्वालिटी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 10,000 क्वेश्चन सीरीज का 8वां दिन है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, पूछे गए प्रश्नों का एक बहुत बड़ा संग्रह है, जिसको आप पढ़िए। यकीन मानिए, आपको एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो आप हमको जो मन करे बोलिएगा। जय हिंद, जय भारत। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अपनति तथा अभिनति साधारणतया वलित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब इनको याद रखिएगा, कहाँ पाए जाते हैं? वलित क्षेत्र, यानी नया नया जो उभरता हुआ क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा क्या, द लैंड ऑफ गोल्ड, यानी स्वर्ण प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीका का घाना राज्य है। घाना जो राज्य है अफ्रीका का, अफ्रीका का जो घाना राज्य, उसको द लैंड ऑफ गोल्ड यानी स्वर्ण प्रदेश के नाम से जाना जाता है। माउंट ब्लांक आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। खैबर दर्रा से अफगानिस्तान और पाकिस्तान जुड़े हैं। ठीक, केप फिलाडेल्फिया, यानी केप फिलाडेल्फिया वाशिंगटन फ्लोरिडा तथा बोस्टन में से, बोस्टन के समीप स्थित है। ठीक है, केप जो है बोस्टन के समीप स्थित है, बोस्टन के पास स्थित है। माले, मालदीव की राजधानी है माले। ठीक है, ईस्ट तोमर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह पुर्तगालियों की पूर्व कॉलोनी थी। किसकी? पुर्तगालियों की पूर्व कॉलोनी थी। क्या थी? ईस्ट तोमर नामक इंडोनेशियाई समूह, द्वीप समूह। आराकान युमा पर्वत श्रेणी का प्रसार पश्चिमी म्यांमार तथा मध्य म्यांमार बेसिन तक है। कहाँ तक? पश्चिमी म्यांमार तथा मध्य म्यांमार बेसिन तक है। प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों के वलित होने पर हिमालय पर्वत बना, यानी जो बताया नहीं जाता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि जहाँ हिमालय पर्वत वहाँ पहले टेथिस नाम का सागर, तो वही मतलब जो पुराना टेथिस नाम का जो सागर था, प्लेट विवर्तनी के कारण जो है एक वहाँ मतलब वो क्या नाम है, हिमालय पर्वत बन गया प्लेट विवर्तनी के कारण, यानी कि वलित होने पर, यानी निक्षेपों के वलित, यानी पृथ्वी में जो प्लेटें होती हैं खिसकने की वजह से ये पहाड़ बन गया। महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पूर्वी व्यापारिक पौने चलती हैं और पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती हैं। साल्टोरो कटक सियाचिन हिमनद में स्थित है। ठीक है, विश्व की सबसे विशाल मरुभूमि सहारा मरुभूमि है। चीन, ब्राजील, कनाडा और अर्जेंटीना में से, अर्जेंटीना भारत से छोटा देश है। चीन, ब्राजील, कनाडा और अर्जेंटीना जो भारत से छोटा देश है। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है। ईरान, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान में से जॉर्जिया की सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। नॉर्मैंडी द्वीप फ्रांस में स्थित है। श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया तथा पाकिस्तान में से म्यांमार अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है। थिम्पू भूटान की राजधानी है। पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह गुरुमंडल यानी क्रोड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भूकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उसको देखो, अब यहाँ जितने भी हैं हमारा अधिकेंद्र, अर्थो सेंटर, इन सेंटर, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से हमारा भूकेंद्र जो है, भूकेंद्र यानी ईपी सेंटर को भूकेंद्र या भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है, तो खाली अधिकेंद्र लिखा है ना। वैसे ऑप्शन सही अगर एग्जाम में आए तो ये क्वेश्चन सिर्फ 2002 2014 में पूछा गया था, लेकिन अब एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन सी जरूर लगाना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आधा अधूरा वर्ड लिखते, लेकिन भू अधिकेंद्र भी कहते हैं उसको। इसे ठीक से नीचे की बिंदु को भूमूल या भूमूल फोकस या हाइपो सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिएगा। नापे किसका एक प्रकार है? नापे जो है वलित संरचना का एक प्रकार है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सहभूमि रेखाएं, यानी होमोसिस्मल लाइंस कहा जाता है। होमोसिस्मल लाइंस यानी सहभूमि रेखाएं।
पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उत्केंद्र कहते हैं। बिभ्रांश घाटी बनाती है, क्या बनाती है? तो दो भ्रांशों के बीच बिभ्रांश घाटी बनती है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? किसे मापने के लिए? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। 11 मार्च 2011 को जापान में आए जोरदार भूकंप एवं सुनामी द्वारा जिन न्यूक्लियस रिएक्टरों की भारी क्षति के फलस्वरूप विकिरण का रिसाव हुआ, वे जो है क्या थे? फुकुशीमा में हुआ। 11 मार्च 2011 को जापान में आने वाले भयंकर भूकंप एवं सुनामी ने देश के मुख्य द्वीप होनशु को हिला दिया, लगभग 8 फीट हिला दिया था। तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपी सागर तरंगे को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भी सुनामी कहा जाता है, यानी कि जो बहुत बाढ़ टाइप की तगड़े में आती है एकदम। भूकंप का मेन कारण क्या है? तो भूकंप का मेन कारण क्या है? भूपृष्ठ में विभोचन, यानी जमीन में भूकंप आना। तो भूपृष्ठ में विभोचन यानी जमीन का अंदर, जमीन के अंदर, समुद्र के अंदर जो जमीन, जमीन का हिलना। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण समुद्री सतह पर भूकंप आना। देख लो, यही क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ये थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है, ठीक है? भूकंप का कारण क्या है? सेम फिर पूछ लिया ऑप्शन से, टेक्टानिज्म, यानी कि टेक्टानिक प्लेट्स खिसकने के कारण कारण, और जब भूक तभी भूकंप आता है। सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? तो समुद्र के निचले भूकंप से। देख लो, सेम क्वेश्चन वही, निचले भूकंप से। विषम पद चुनिए, इनमें से विषम कौन है? सुनामी, भूकंप, पवन चक्की। अब देखो, चक्रवात के अलावा बाकी सब नेचुरल डिजास्टर, सॉरी, पवन चक्की के अलावा बाकी सब नेचुरल डिजास्टर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में विषम शब्द बताइए। अशिताशम, रूबी, नीलम, पन्ना, बाकी सब नाम है और ये नाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इंडोनेशियाई क्षेत्र 2004 में बहुत बड़े भूकंप का शिकार बना था? तो सुमात्रा। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो बनती ज्वालामुखी झील बनती है। ज्वालामुखी माउंट गम कोनोरा, हालमा डेहा द्वीप का उच्चतम शिखर जो कि जुलाई 2007 में फूटा था, किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? हवाई में पाई जाती है, यानी हुबेई। अब इसके बाद कुछ नए क्वेश्चन आते हैं, आप इसको देखें। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ओजस ओजोस डेल साल्डो, ओजस डेल साल्डो, 6887। हालांकि कुछ लोग कोटोपैक्सी को सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो ओजस जो है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, और कोटोपैक्सी जो है सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को भूकंप सिंधि यानी सुनामी कहते हैं। परिप्रशांत कटिबंध को ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है। पैसिफिक रिंग ऑफ द फायर से तात्पर्य है पैसिफिक के चारों ओर ज्वालामुखी पट्टी। सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागरीय तटों को, तटीय भागों को ज्यादा स्थिर रखती है। सॉरी, अब आता है भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। तो डी, मृदीय कारक के रूप में जाना जाता है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी होती है, सबसे ज्यादा अच्छी। लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? किसके आलेपन के कारण आ जाता है? तो लोहे के आलेपन के कारण आ जाता है।
काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंध रखती है? तो कपास के साथ। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निचालन की ओर प्रकृत होती है, प्रवृत्त होती है, क्या कहलाती है? उसको हम कहते हैं लेटराइट मिट्टी। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? उसे पेडोकल कहा जाता है। मृदा अपरदन के क्षेत्र के उपचार क्या? ऑप्शन ए समोच्च क्षेत्र की किनारा बंदी करना, और बी उपभोग का विनिमय करना। उपभोग का विनिमय करना। अक्षांश, उच्च अक्षांश के चीड़ के वन की जो राख जैसी भूमि धूसर मृदा द्वारा मृदा इस नाम से भी जानी जाती है। धूसर मृदा इस नाम से भी जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? तो पैडसॉल्स के नाम से भी जानी जाती है, पैडसॉल्स। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? तो समोच्च कृषि जैव पद्धति है। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? उसे आश्रय पट्टी कहते हैं। फसलों का अपवर्तन क्यों अनिवार्य है? मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए फसलों का अपवर्तन अनिवार्य है। किसी मरुक्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका कैसे जा सकता है? तो पेड़ लगाकर वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? स्थानांतरित कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? तो इसमें से तो कोई नहीं आ रहा। हाँ, अपक्षय। अपक्षय जो है मृदा अपरदन का कारण। मखरेल, लेटराइट मिट्टी का विकास। मखरेल यानी लेटराइट मिट्टी का विकास निरर्थक यानी लीचिंग का परिणाम होता है। मृदा अपरदन वनोन्मूलन तथा यानी मृदा अपरदन वनोन्मूलन तथा नदी तल का गादन बराबर बाढ़ आने के मुख्य कारण है। बराबर बाढ़ आने के मुख्य कारण। शैल और स्थलाकृति। शैल और स्थलाकृतियां। स्थल मंडल शब्द किससे संबंधित है? स्थल मंडल शब्द पृथ्वी की पटल से संबंधित है। जल निर्माण छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं? तो चूना क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना कहलाता है, क्या कहलाता है? उसे क्या कहलाता है? उसे निम्नीकरण कहलाता है। उसको निम्नलिखित में कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? तो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन, तो ऑप्शन डी धातु। हीमोग्लोबिन प्रतिहीमोग्लोबिन तो धातु तट जो है ये भूमिगत जल का परिणाम नहीं, परिमाण नहीं। प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिस्वरूप हैं। प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिस्वरूप हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की। नदी मार्ग और उसके बाद कायांतरण। हाँ, नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? तो ऊपरी मार्ग में निर्वाध वक्र। कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देते हैं? सी ए और बी दोनों, संरचना और गठन दोनों परिवर्तित हो जाता है।
जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? नीस में परिवर्तित हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कायांत्रित सेल हैं? तो नीस को कायांत्रित सेल की लिस्ट, नीस और सिस्ट कायांत्रित सेल में। ऑब्सीडियन एडेसाइट, ऑब्सीडियन एडेसाइट ग्रेवो गैब्रो और पेरोडाइट क्या है ये? तो ये क्या है? बहिर्वोर्धी है, बहिर्वोर्धी चट्टान। ग्रेनाइट क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट क्वार्टजाइट क्षेत्र खड़ा रूप प्रतिदर्श सॉरी खड़ा रूप प्रदर्शित करता है, क्योंकि इन चट्टानों का विनाश आसानी से नहीं होता है। अधिकांश भू पॉवर्टी किस सेल से बनी होती है? अग्नेय सेल से बनी होती है। पवन की अपवाहन क्रिया के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? ब्लोआउट कहा जाता है उसे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वितलीय अग्नेय सेल का उदाहरण है? ग्रेनाइट वितनीय सेल का, वितनीय अग्नेय सेल का उदाहरण। सेल का कायांतरण में किस बैलेंस में होता है? सेल का कायांतरण निम्नलिखित में से किस सेल में होता है? तो हमारा होता है स्लेट में होता है। वह क्षेत्र जो किसी स्थल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोध होता है वो क्या कहलाता है? वो ऑप्शन डी सील्ड यानी डाल कहलाता है। मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन जो है कहाँ बनते हैं? मोरेन कहाँ बनते हैं? ऑप्शन सी हिमानदीप में बनते हैं। मोरेन हिमानदीप में बनते हैं। मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? तो भूस्खलन कहा जाता है। अग्नि भू आकृति युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, घोल रंध्र वायु। रेगिस्तान में मशरूम चट्टान, रेगिस्तान में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? अपरदन का उदाहरण है। किसका? अपरदन का। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? मरुटिब्बा, मरुटिब्बा कहा जाता है उसको। ओके, अपवाहन तंत्र। चलो कल की क्लास यहाँ से शुरू करेंगे, 20 मिनट बहुत है, नींद आ रही है। क्या ही बताएं, इतना दिक्कत, फालतू में नींद आने लगती है।